बैठो भैया, बैठो, आ जाओ इधर, आ जाओ भैया, बैठा लेना, ने बैठा लो, बैठा लो, बैठो, आ जाओ बैठो। स्वागत आपका आपकी अपनी चाणा कोचिंग में। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो भैया, रीजनिंग के बारे में बात होगी। तर्क शक्ति और रीजनिंग में जो टॉपिक की हम बात करेंगे वो टॉपिक होगा आपका क्लॉक यानी घड़ी। तो हेडिंग लगा लो क्लॉक यानी घड़ी की। सही है। ये बताओ कि ये जो घड़ी है ये कौन सी घड़ी होती है जिसकी हम बात करते हैं? इसे कहते हैं एनालॉग क्लॉक, सुई वाली घड़ी। ठीक है, तो इस घड़ी को क्या कहेंगे? एनालॉग क्लॉक, जिसमें कि सुइयां होती हैं, घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली। ये उस घड़ी के क्वेश्चन है। घड़ी तो बहुत सारी होती है, डिजिटल क्लॉक भी होती है और भी क्लॉक होती है, लेकिन हम जिसकी बात करते हैं इसका नाम क्या होता है? एनालॉग क्लॉक, जिसमें सुइयां होती हैं और एक डायल होता है। डायल वैसे गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर गोल डायल की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सुइयां होती हैं घड़ी की, तो क्या ये कुछ आवाज ववाज करती हैं, कुछ साउंड वाउंड करती हैं? करती हैं? कैसी आवाज करती हैं? टिक 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 करके कुछ आवाज करती हैं? करती तो हैं। अच्छा ये आवाज वैसे सुनाई नहीं पड़ती? अब तो पीछे भी घड़ी लगी हुई है, घर में भी घड़ी होती है, ये आवाज सुनाई पड़ती है क्या? ये ऐसे सुनाई नहीं पड़ती आवाज, ये सुनाई पड़ती है जब आप किसी ख्याल में होते हैं, तब ये आवाज टिक टिक की भी डिस्टर्ब करने लग जाती है। वैसे तो इग्नोर कर देते हैं, आवाज ही नहीं पता चलती घड़ी भी कोई आवाज कर रही है, लेकिन जब आप किसी ख्याल में हैं उस समय पर जरूर आपको इसकी आवाज सुनाई पड़ती है कि यार घड़ी आवाज कर रही है। होता है ऐसा? होता तो होगा, कभी ख्यालों में सुना होगा, रात में नींद नहीं आ रही है, मोबाइल चलाते चलाते भी थक गए, तो क्या हुआ तब पता चल रहा है यार घड़ी भी आवाज कर देती है। सही है। चलिए सर, इसी टॉपिक को हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, तो इसी को दो लाइन से मैं शुरू कर देता हूं। दो लाइन, लाइन ऐसी है कुछ शायरी टाइप की लाइन है, समझ लेते, कनेक्टिविटी अच्छी बन जाती है टॉपिक के साथ में, बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी। तो ऐसी लाइन है, समझ में आया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो समझ जाएंगे वो ताली तो बजा ही देंगे, कोई बात नहीं। गैरों को हम राज करती है, गैरों को हम राज करती है। हम राज यानी अपनी बातें बताना, शेयर करना सारी बातें। गैरों को हम राज करती है, अपनों को नाराज करती है। गैरों को हम राज करती है, अपनों को नाराज करती है। तेरे साथ नहीं होने पर जाना कि घड़ी टिक टिक की आवाज करती है। थैंक यू, थैंक यू। तो अब ये घड़ी आवाज करती है, और लेकिन हम टिक टिक वाली आवाज की बात नहीं कर रहे। हम कौन सी आवाज की बात करेंगे आज? हम आवाज की बात करेंगे वो वाली आवाज जो घड़ी घंटे होने पर करती है, पेंडुलम क्लॉक जैसे कहते हैं, अलार्म क्लॉक कह लो। पेंडुलम क्लॉक की एक खास बात होती है, आवाज वो भी करती है, टिक टिक की तो खैर करेगी करेगी, वो एक और आवाज करती है। कौन सी? वो करती है घंटे की आवाज, जैसे 1 बजे कितनी बार आवाज करेगी? एक बार टन, 2 बजे टन टन, 3 बजे टन टन टन, ऐसे करके आवाज करेगी। ठीक है, भावना राधे राधे। तो ऐसी घड़ी की हम लोग बात करने वाले हैं, जो इसे पेंडुलम क्लॉक भी कहते हैं, पेंडुलम क्लॉक है ना, या फिर कुछ कुछ जगह उसे ऐसे बोलते हैं कुक्कू क्लॉक, मुर्गी वाली होती है वो कुक्कू क्लॉक, तो अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो इस तरह के हम लोग क्वेश्चन की आज बात करने वाले हैं, और समझते हुए चलते हैं और सीधे सवाल पे आएंगे। अच्छा एक सवाल पहले मैं दे रहा हूं, अपने मन में आंसर सोच लीजिएगा, ए बी सी डी। पहले मैं चेक करवा लूंगा ए बी सी डी कि हम कितना जानते हैं घड़ी के बारे में, है ना, फिर उसके बाद बातें कर लेंगे। एक सवाल तो बनता भी है, घड़ी का सवाल है कौन सा मुश्किल है, एक सवाल हम ए बी सी डी मन में सोचेंगे कि
चेक करेंगे फिर बात करेंगे, सही है? तो एबीसीडी सोच लेना, जब मैं पूछूंगा तो बता देना किसका क्या आंसर आया। रेडी? बहुत बढ़िया, तो मुझे पता भी लग जाएगा थोड़ा थोड़ा कि आप घड़ी के बारे में कितना जानते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आंसर मन में सोच लीजिएगा, बोलने का नहीं हो रही है। अब ये पूछूंगा एबीसीडी तब बताना है, मन में सोचेंगे, ठीक है? क्वेश्चन ये है, एक पेंडुलम घड़ी 4:12 के समय लेती है। अब पेंडुलम घड़ी है 4 बजे की तो आवाज करती होगी 4 बार, सही है? तो ए पेंडुलम क्लॉक टेक 12 सेकंड इन रिंगिंग 4 टाइम, 4:12 का टाइम लेती है। जब 4 बजेंगे तो 4 बार आवाज करेगी 12 सेकंड, तो बताइए अगर 8 बार बजने में कितना समय लेगी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो इससे हम लोग शुरुआत करेंगे, पेंडुलम क्लॉक का ये क्वेश्चन है, ठीक है? मन में सोच लीजिएगा क्या आंसर होगा, जिससे मुझे पता लग जाए कि कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे काम को। और मुझे लगता है आंसर तो आ ही गया होगा, इतना मुश्किल भी तो क्वेश्चन नहीं है, और घड़ी से आसान टॉपिक हो भी क्या सकता है। चलो रेडी, तो कितने लोग सहमत है? आंसर ए 22 सेकंड, बी 24, सी 26 एंड डी 28। कितना तो आसान है, 4 बार बजने में 12 सेकंड, तो 8 बार बजने में सिंपल है, नहीं ऐसे नहीं होता, मैं तो भी टक लगा देता, ऐसे नहीं होता। चलो ठीक है, तो कुछ और होता होगा वो भी देख लेते हैं। लक्ष्मी जी नमस्ते, ऑप्शन बी इज राइट, बी। कई सारे लोग बी को बोल रहे हैं, कुछ लोग मना भी कर रहे हैं। चलो एक बात बताओ, कोई साउंड आपको 2 बार सुनाई पड़ती है, अगर कोई साउंड 2 बार सुनाई पड़ेगी, अगर मान लो 1 बार सुनाई पड़ी टन टन रिंग रिंग, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बीच में रुक जा रहे हैं, रिंग रिंग रुक गए ना। अगर आप बीच में ब्रेक ना लेते, रुकते नहीं, तो एक ही आवाज सुनाई पड़ती लंबी सी, रिंग टन टन, दो साउंड हो रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि आप बीच में रुक रहे हैं। अगर ना रुकते तो एक ही आवाज आती, बस उसकी लेंथ बढ़ जाती है, टन ट्रिन ट्रिन, 2 बार सुनाई क्यों पड़ेगा, बीच में ब्रेक लेंगे। आप बीच में ब्रेक ना लेते तो एक ही आवाज आती है, ट्रिन, लंबी हो जाती है बस। तो अगर आपको कोई साउंड 4 टाइम मिल रही है, तो इसलिए मिल रही है क्योंकि आप बीच में 3 बार गैप ले रहे हैं, 3 गैप लेंगे तभी तो 4 साउंड जनरेट होंगे। बिना गैप के आप 4 साउंड लगा दो लगातार 1 बार, तो एक ही साउंड आएगा, बस लंबा सा आएगा। तो ये जो 12 सेकंड का टाइम लग रहा है ना, याद रखिएगा 12 सेकंड का टाइम रिंगिंग में नहीं है 4 टाइम। अगर 4 रिंग हो रही है तो 4 रिंगिंग का टाइम 4 सेकंड नहीं होता, 3 गैप का टाइम होगा 12 सेकंड। 4 बार बजने में 12 सेकंड लग रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है 4 बार बजने के टाइम में 12 सेकंड है। अगर साउंड 4 हो रहे हैं, 4 बज रहे हैं तो 4 साउंड होंगे, साउंड 4 होंगे तो बीच में गैप कितने होंगे, 3 गैप, 1 कम, जितनी रिंग होती है उससे 1 कम गैप होता है, सही है? तो रिंग कितने हैं 4 टाइम, 4 बार आप इसे आवाज करेंगे तो 4 बार आवाज करेंगे, बीच में गैप कितना होगा, 3 गैप होगा। तो ये 12 सेकंड आपके 4 बार बजने के नहीं है, 3 जो बीच में गैप है या 3 बीच में जो रेस्ट है, उस 3 रेस्ट में लगते हैं 12 सेकंड। क्या ये बात समझे, ये 12 सेकंड 4 बार अगर आवाज आ रही है तो बीच में कितने गैप है, 3 गैप, तो ये 3 गैप में 12 सेकंड है, 3 गैप में 12, तो 1 गैप में, 1 रेस्ट में, 1 रेस्ट में बीच में लगेगा कितना, 4 सेकंड। अच्छा, हम चाहते हैं साउंड कितनी बार हो, हम चाहते हैं 8 बार साउंड जनरेट हो। अगर साउंड 8 बार होगी तो गैप कितने होंगे, 7 गैप होंगे। अगर आप चाहते हैं 7-8 बार क्या हो, आवाज हो, तो गैप कितने होंगे, 7। तो आपको 7 रेस्ट का टाइम निकालना होगा ना, तो 7 रेस्ट में 28 सेकंड, और आंसर होगा डी। बच गए बाल बाल, हम तो 24 लगवा देते। यानी कि अब याद रखना, पेंडुलम वाले क्वेश्चन में जितनी बार साउंड होती है वो उसका टाइम नहीं होता, उससे 1 बार कम, उससे 1 बार कम का होता है। जैसे 4 अगर आवाज हो रही है तो आवाज 4 होने में 12 सेकंड नहीं लगे हैं, 3 गैप हुए होंगे, बीच में 3 बार रेस्ट लिया होगा, 3 रेस्ट का टाइम होगा 12 सेकंड, 3 रेस्ट का 12 सेकंड, 1 रेस्ट का 4 सेकंड, और हम चाहते हैं 8 बार आवाज हो। अगर आवाज 8 बार होगी तो बीच में रेस्ट कितने होंगे, 1 बार कम, 7। तो जब 1 बार रेस्ट में 4 सेकंड, तो 7 बार में 28, आंसर होगा 28 सेकंड, सही जवाब। ठीक है, तो बस अब तो सीख गए, अगला सवाल रेडी।
समझ पा रहे हैं? तो जितनी आवाज होगी उससे एक बार कम रेस्ट होगा, और जो टाइम लगता है वो साउंड में नहीं लगता, बीच के गैप में लगता है। और समझ लेते हैं इस बात को। तो ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो और समझते हैं। देखो, एक बार अगर साउंड होती है, एक बार रिंग वन, मान लो एक बार कोई साउंड होती है एस वन, साउंड वन, तो बीच में गैप होगा तभी तो साउंड टू होगा। गैप नहीं होगा, बीच में रेस्ट नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा दो आवाज है? फिर एक और गैप लगा, साउंड थ्री, एक और गैप हुआ साउंड फोर। तो अगर फोर टाइम साउंड है तो बीच में जो रेस्ट होगा ना वो तीन बार होगा, क्योंकि हर दो साउंड के बीच में एक रेस्ट है। तो ये जो टाइम 12 सेकंड है ये चार बार आवाज का नहीं है, ये तीन बार रेस्ट का है। सही है, तो तीन रेस्ट में 12, एक रेस्ट में चार, तो हम आठ बार आवाज करेंगे, बीच में सात रेस्ट होंगे, तो सात चौक 28 सेकंड लगने वाले हैं। क्लियर? तो बस अगला क्वेश्चन आंसर। चेक करो, अब तो आसान है, हो ही जाएगा। मन में सोच लो एबीसीडी। क्वेश्चन सेम वही है, 12 बार बजने में 33 सेकंड लगते हैं। पेंडुलम क्लॉक टेक 33 सेकंड इन रिंगिंग 12 टाइम। अगर 12 बार बजने में 33 सेकंड लगते हैं तो ये 33 सेकंड 12 बार बजने के नहीं है, एक बार कम 11 रेस्ट के हैं। ये 33 सेकंड किसके हैं? 12 बार बजने के नहीं है, 11 रेस्ट के हैं। तो ये सोचो कि 11 बार रेस्ट लेते हैं अगर, तो टाइम लगता है 33 सेकंड का। एक बार रेस्ट लेते हैं अगर, तो टाइम लगता है 3 सेकंड का। हम चाहते हैं कि घड़ी 8 बार साउंड जनरेट करे। अगर ये 8 बार साउंड करेगी, 8 आवाज करेगी, तो बीच में रेस्ट कितना होगा? 7 बार होगा। ठीक है, तो 7 रेस्ट में टाइम कितना लगेगा? 21 सेकंड, और आंसर विल बी बी। सिंपल, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, और घड़ी से आसान टॉपिक हो भी कह सकते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं घड़ी को, तो समझते आ रहे हैं। ठीक है, तो काफी आसान भी है, आंसर भी लगभग सभी का आ भी गया होगा 21 सेकंड। कोई परेशानी किसी को, ना समझ में आने वाली कोई बात, कोई दिक्कत अगर फिर भी हो तो बता दीजिएगा। समझ में आ रहा है? 21 सेकंड आंसर सही। तो ये काफी आसान होता है पेंडुलम वाला सवाल। इसमें बस ये है कि सवाल दो तरह के आते हैं, एक जहां पर एक ही घड़ी होगी, एक जहां पर दो अलग अलग घड़ी होंगे। दो ही तरह के सवाल आते हैं, दोनों को देख लेते हैं। ये जो दो सवाल किए हैं इनमें एक ही घड़ी की दो कंडीशन है। एक सवाल और आता है जिसमें दो अलग अलग घड़ी आ जाती हैं, उनके बीच में रिलेशन डेवलप करना होता है। तो बस दो ही तरह के सवाल आते हैं पेंडुलम में। किताबें जितनी चाहो उतनी खोल के देख लेना, पेंडुलम के सवाल या तो बहुत सारी किताबों में होता ही नहीं है, बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा नहीं, और जहां मिलेगा तो या तो सिंगल क्लॉक या डबल, बस दो ही टाइप होते हैं। तीसरा कोई टाइप कभी मिल जाए उसे वहीं से पकड़ के खींचते हुए लेके आना, फिर देखेंगे कैसे आया। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें दो आ गई क्लॉक, दो पेंडुलम घड़ियां एक साथ 10 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, टू पेंडुलम क्लॉक रिंग्स टुगेदर एट 10 ओ'क्लॉक। पहली घड़ी 18 सेकंड में तथा दूसरी घड़ी 27 सेकंड में बजती है। ठीक है, मैं 10 बज रहे बजना शुरू कर रही हूं, 10 बार बजेगी। अब 10 बार बजेगी तो टाइम लगेगा उसे, तो पहली घड़ी को कितना टाइम लगा? 18, और दूसरी को लगा 27। फर्स्ट क्लॉक रिंग इन 18 सेकंड एंड सेकंड क्लॉक रिंग इन 27 सेकंड। अभी दो अलग अलग घड़ियां हैं तो उनकी टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब क्या हुआ बताइए, पहली घड़ी के छठे प्रहार और दूसरी घड़ी के चौथे प्रहार में कितने समय का अंतर होगा? ठीक है, हाउ मेनी टाइम डिफरेंस विल शो इन सिक्स्थ ब्लो ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ ब्लो ऑफ सेकेंड क्लॉक। पहली घड़ी छठी बार बजेगी, दूसरी घड़ी चौथी बार बजेगी, तो अलग अलग टाइम लेंगे, उन दोनों टाइम में डिफरेंस कितना होगा? ये क्वेश्चन हो गया। मन में सोच लो पहले, एबीसीडी करवा लेंगे, ऐसा ही कर लो। चलो पहले एबीसीडी करवा लेते हैं, फिर चेक कर लेंगे क्या दिक्कत है। चलिए, हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
राइट आंसर विल बी बी. वन सेकंड, कैसे? देखो 10 बज रहे हैं ना दोनों घड़ी में, पहली में भी 10 बजे और दूसरी घड़ी में भी 10 बजे. ये 10 बार बजने में पहली वाली जो लेती है ना वो 18 सेकंड लेती है, पहली बारी 10 बार बजने में. अब ये बताओ कि 10 बार अगर ये घड़ी बजेगी और 18 सेकंड लेगी, तो 10 बार घड़ी बजती है साउंड, अगर वो 10 साउंड जनरेट करेगी तो बीच में रेस्ट कितने होंगे? 9. तो ये जो टाइम है वो 10 बार रिंगिंग का नहीं है, 9 रेस्ट का है. तो ये वाली जो घड़ी है ना ये 9 रेस्ट लेगी 18 सेकंड में, और ये वाली घड़ी भी 10 बार बजेगी तो 9 रेस्ट तो इसके भी होने वाले हैं, ये 9 रेस्ट लेगी 27 सेकंड में. भाई 10 बार बजेगी तो रेस्ट तो 9 ही होंगे, तो ये 9 रेस्ट 18 में, ये 9 रेस्ट 27 में. हम बात करेंगे एक की, तो 9 से 2 बार, एक रेस्ट कितनी देर में ले गया? 9 दिन 18 2 सेकंड में. ये एक रेस्ट लेने वाली है, इसको एक रेस्ट में कितना टाइम लेगा? 3 सेकंड. यहां तक भी हो गया. अच्छा, हम लेकिन चाहते क्या है कि पहली घड़ी की छठी आवाज और दूसरी घड़ी की चौथी, ठीक है? तो पहले वाले का 6th ब्लो एंड फर्स्ट एंड फोर्थ ब्लो ऑफ सेकंड. तो पहले वाले की हमें जो करनी है ना वो कौन करनी है? 6th साउंड करनी है, और सेकंड वाले का कौन सा साउंड करना है? 4th साउंड करना है. अच्छा, अगर साउंड 6th होगा तो रेस्ट कितना होगा? 5. तो बेसिकली हम तो 5 रेस्ट का टाइम निकालने वाले हैं ना, 5 रेस्ट 10 सेकंड, ठीक है? अगर ये 4 साउंड जनरेट करेगी तो रेस्ट कितना होगा? 3 टाइम. तो 3 रेस्ट का टाइम कितना होगा? 3 रेस्ट का टाइम होगा 9 सेकंड. एंड डिफरेंस बिटवीन टाइम 10 माइनस 9 मीन्स 1 सेकंड आंसर. एक बार और देखें, दो घड़ियां हैं. पहली बार तो घड़ी कितनी है? 2. 2 पेंडुलम क्लॉक, दो घड़ी हैं और दोनों में ही 10 बज रहे हैं. दोनों में कितने बज रहे हैं? 10. तो इसमें भी 10 बज रहे हैं और इसमें भी 10 बज रहे हैं. अगर 10 बज रहे हैं तो पेंडुलम घड़ी है तो ये साउंड जनरेट करेंगे 10 टाइम. भाई 10 बज रहे हैं तो 10 बार ही आवाज करेंगी. तो लेकिन जो टाइम लग रहा होगा वो 10 साउंड जनरेट होने में लग रहा होगा या 9 टाइम रेस्ट में? रेस्ट में. तो इसको 9 रेस्ट लेने में 18 सेकंड लगते हैं, इसको 9 रेस्ट लेने में 27 सेकंड. ये क्वेश्चन में गिवन है. अब 9 सेकंड में 18 सेकंड है तो 1 सेकंड, 1 रेस्ट के लिए 2 सेकंड, 9 रेस्ट के लिए 27 सेकंड है, 1 रेस्ट के लिए 3 सेकंड. अब हम चाहते हैं जो फर्स्ट वाला क्लॉक है ना वो 6 साउंड जनरेट करता है और सेकंड वाला 4 साउंड. ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है. पहली घड़ी का छठा प्रहार और दूसरी घड़ी का चौथा. अगर ये 6 साउंड करेगा तो रेस्ट तो 5 टाइम होगा, ये 4 साउंड जनरेट करेगा रेस्ट 3 टाइम होगा, ठीक है? तो टाइम इसका 10 सेकंड, इसका 9 सेकंड, डिफरेंस 1 सेकंड. क्लियर? तो इसमें दो तरह के सवाल आते हैं पेंडुलम में, या तो सिंगल क्लॉक जो हमने अभी किया था या डबल क्लॉक जो हमने कर लिया. दो ही तरह के सवाल आपको मोस्टली अभी तक जितनी भी किताबें देखी हैं उसमें ये दो तरह के सवाल देखने को मिलते हैं. फिर भी आपके पास कोई किताब है और उसमें पेंडुलम का कोई और डिफरेंट क्वेश्चन हो अगर, तो मोबाइल से फोटो खींच के रख लीजिएगा उस सवाल का. मोबाइल से उस सवाल का फोटो खींच के रख लीजिएगा, शनिवार को यहां ले आना, देख लेंगे क्या दिक्कत आ रही है. कोई भी किताब में पेंडुलम का कोई और सवाल है और इन तरीकों से नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, मोबाइल में उसका फोटो क्लिक करके रख लेंगे, शनिवार को ले आएंगे. क्लियर? फिर यहां देख लेंगे क्या दिक्कत है, क्यों आपकी बात नहीं मान रहा. हो गया था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अगर क्वेश्चन आप ना लिख पा रहे हो मान लो, तो सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए, ये सारी फाइल सेव हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब पीडीएफ बना के आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी. तो शाम को घर पहुंचे, चाय बनाई और साथ में अपने फेयर नोट्स बना लिए, सही है? ये हो सकता है आप ना लिख पा रहे हो, कई बार लिखने का उतना जीवन में मौका मिला नहीं होता बहुत सारे बच्चों को, मतलब इतना ही लिखने का मौका मिला जितने में पास हो पाए, ज्यादा लिखे पढ़े नहीं, कॉपी वॉपी बनाई नहीं, बस 3 घंटे पेपर में लिख के आए पूरी साल में, तो स्पीड कम पड़ जाती है. तो ऐसी स्थिति में आप ना लिख पाए तो घर पे आप आराम से लिख लीजिएगा, फाइल सेव हो जाएगी. और जो लोगों की स्पीड बहुत ही अच्छी होती है वो लिख ही लेते हैं, ठीक है? तो अपने हिसाब से देख लेना. अगला क्वेश्चन, ये दो पेंडुलम घड़ियां एक साथ 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, एक साथ 8 बजे, ठीक है? पहली घड़ी 14 सेकंड में, दूसरी घड़ी 21 सेकंड में बजती है. पहली बार तो जब दोनों एक साथ बजेंगे 8 बजे, देखो दोनों में 8 बज रहे हैं, तो दोनों में 8 बज रहे हैं तो पहली बार
जो फर्स्ट रिंग होगा इनका, फर्स्ट साउंड होगा, दोनों का एक साथ होगा पहला साउंड, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इनकी टाइमिंग मिसमैच हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 14 सेकंड में ही बज के खत्म हो जाएगी और ये 21 सेकंड में, तो टाइमिंग आगे पीछे होगी। हाँ भले ही ये 8 बज रहे हैं तो साउंड तो 8 ही जनरेट करेंगे, 8 साउंड जनरेट होंगे, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। तो पहली बार तो दोनों एक साथ बजेंगी, लेकिन उसके बाद आगे पीछे हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है कितने देर बाद दोनों फिर से एक साथ बजेंगे, ठीक है? हाउ मेनी टाइम आफ्टर बोथ क्लॉक शोन सेम टाइम रिंगिंग। मन में सोच लीजिए, अभी ABCD करके चेक कर लेंगे एक बार। ऐसा नहीं हो सकता, आंसर तो कोई एक ही होगा। और अगर ऐसा है कि दोनों सही हैं, तो एक क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं, वो उस स्थिति में होंगे जैसे द्विघात समीकरण। ऐसा कुछ कंडीशन होती है, एक क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही नहीं होंगे। और दोनों हैं तो फिर कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल इस क्वेश्चन का तो आंसर एक ही होगा, इस क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते। कुछ जगह ऐसी हैं जहां दो आंसर आ सकते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके लिए फिर कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। इस क्वेश्चन का तो खैर एक ही आंसर आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, ए बी सी डी। डी पे कुछ लोगों की बात बन रही है, और 7 × 14 7 × 21 3 × 6 सही है। दोनों घड़ी में कितने बज रहे हैं, 8। तो पहली घड़ी भी है 8 बज रहे हैं और दूसरी घड़ी में भी 8 बज रहे हैं, ठीक है? अच्छा 8 बज रहे हैं तो ये सब साउंड करेंगे वो 8 टाइम साउंड होगा, लेकिन अगर 8 उसमें बज रहे हैं, 8 बार आवाज करेगी, तो बीच में रेस्ट तो 7 ही होने वाले हैं ना। तो इस घड़ी को 7 रेस्ट लेने में 14 सेकंड और इस घड़ी को लगने वाले हैं 7 रेस्ट में 21 सेकंड। अच्छा तो एक रेस्ट में टाइम कितना लगेगा, 1 रेस्ट में 2 सेकंड और इसको 1 रेस्ट में टाइम कितना लगेगा, 3 सेकंड। यानी कि ये वाली घड़ी हर 2-2 सेकंड बाद बजेगी और ये वाली घड़ी हर 3-3 सेकंड बाद बजेगी। एक बार एक साथ बज चुकी हैं, दोबारा कितनी देर में बजेंगी, 2 और 3 का LCM, 2 और 3 का LCM 6 सेकंड में। भाई ये घड़ी हर 2-2 सेकंड बाद बजती है, ये घड़ी हर 3-3 सेकंड बाद बजती है, एक बार 7 बज गई, दोबारा एक साथ कब बजेंगी? LCM SCF जब पढ़ेंगे ना आप, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, LCM SCF में भी क्वेश्चन आते हैं कि 4 घंटियां 2 घंटियां 3 घंटियां हर 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड बाद बजेंगी। एक बार एक साथ बजाया, दोबारा एक साथ कितनी देर में बजते हैं, LCM के बराबर टाइम में। अगर आपने LCM SCF पढ़ा होगा तो उसमें ऐसा क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, लाइट वाला घंटी वाला, और बच्चे पार्क का चक्कर लगा रहे हैं वो वाला, 3 सवाल होते हैं एक से, लाइट लगी है चौराहे पे, उनकी टाइमिंग अलग अलग जलने की, एक बार एक साथ जला दिया, दोबारा एक साथ LCM के बराबर टाइम में, ठीक है? घंटियां बज रही हैं अलग अलग टाइम में, डिफरेंट है, कोई 4 में कोई 6 में कोई 10 में कोई 12 में, एक बार एक साथ बजाया, दोबारा एक साथ LCM के बराबर टाइम में, बच्चे पार्क का चक्कर लगा रहे हैं, गोल पार्क है, सबकी टाइमिंग अलग अलग है, कोई आता है 1 घंटे में, कोई आता है 2 घंटे में, कोई आता है 3 घंटे में, एक पॉइंट से चलना शुरू किया, दोबारा उसी पॉइंट पे एक साथ कब पहुंचेंगे, LCM के बराबर टाइम में। तो ये 2 सेकंड में, ये 3 सेकंड में बजेगी, दोबारा एक साथ बजेगी, दोनों का LCM 6 सेकंड में, 6 सेकंड बाद एक साथ बजेगी। कितने समय बाद दोनों फिर एक साथ बजेंगी, कितने समय बाद? तो पहली बार बजेंगी, उसके बाद 6 सेकंड बाद फिर से बजेंगी, 12 सेकंड बाद फिर एक साथ, फिर से 18 सेकंड बाद फिर एक साथ, बार बार एक साथ होंगी, लेकिन हमसे तो पहले वाले टाइम बताना होगा ना हमें। भाई पहले एक साथ होती हैं, दोबारा एक साथ होंगी, 2 और 6 का LCM, 2 और 3 का LCM 6 सेकंड बाद, फिर अलग अलग टाइम होगा, फिर से 12 सेकंड बाद, फिर से 18 सेकंड बाद, ऐसे, ठीक है? तो फिलहाल दोनों घड़ी बजने वाली हैं, दोनों का LCM 2 का 6 का LCM ऑफ 6 सेकंड में घड़ियां एक साथ बजेंगे, क्लियर? 6 सेकंड बाद घड़ियां फिर से एक साथ बजेंगी, उसके बाद फिर से बजेंगी,
12 सेकंड बाद, फिर से बच जाएंगी 12 सेकंड बाद, फिर से होंगी 18, ऐसे करके चलता सिस्टम। तो पहली बार तो एक साथ हो गई, उसके बाद एक साथ होंगी 6-6 सेकंड के डिफरेंस से, और उस 6 सेकंड के बीच में कोई ना कोई अलग अलग बजती रहेंगी, एक साथ नहीं बजेंगी, एक साथ 6 सेकंड बाद ही बजा करेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन ऐसा ही शायद है, हाँ एक क्वेश्चन उसी तरीके का है जो भी किया था। वही क्वेश्चन है जो अभी किया है, थोड़ा सा ही फर्क है। मन में सोचिए फिर चेक करेंगे। माना क्यों हो गया, वही गया होगा, कितनी देर लगी होगी, लगभग तो वैसा ही है जैसा भी किया था, तो बस चेक कर लेते हैं। ए वाले लोग, बी सी डी, आंसर विल बी पहली बार एक साथ बजेंगी बजेंगी, दूसरी बार 6 पे, तीसरी बार 12 पे। तीसरी बार बजने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि 14 सेकंड में तो बंद हो जाएगी वो, 6-18 पे पहुंच ही नहीं पाओगे आप। अरे पहली बार तो एक साथ बजेंगी बजेंगी 0 पे, ये वही क्वेश्चन हो गया ना, ये वाला हो गया। देखो देखो एलसीएम कितना था इसका, भाई हर 6-6 सेकंड में बजने वाली है। पहली बार तो एक साथ बजाई दिया, मतलब स्टार्टिंग में ही 0 पे, दूसरी बार 6 सेकंड, तीसरी बार 12 सेकंड, अब इसके बाद 18 सेकंड पे बजती, लेकिन वो तो 14 सेकंड में बंदी हो जाएगी, 18 पे बजी कहां पाएगी भाई, ये तो 14 सेकंड के बाद में बजेगी नहीं, तो एक साथ तो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पूछा जाए टोटल कितनी बार एक साथ होंगी, टोटल कितनी बार 3 बार, लेकिन पूछा क्या है बीच में, ठीक है, हाउ मेनी टाइम विल बी रिंगिंग बिटवीन, बीच में तो एक बार तो बज गई, उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर पूछा तो टोटल कितनी बार बजेंगे, 3 बार, बीच में कितनी बार, एक बार तो बज गई ना, तो जब बीच में कितनी बार पूछेगा, बिटवीन की बात करेगा, बिटवीन का आंसर 2 ही दोगे ना। टोटल कितनी बार होंगी, 3 बार, 0 पे, 6 पे, 12 पे, सही है, लेकिन पूछा बीच में कितनी बार, तो एक बार तो पहले बज गया, उसे छोड़ना पड़ेगा, अब तो बीच में आने वाले हैं, तो फिर बीच में तो 2 बार ही बजेगी, 6 सेकंड बाद और 12 सेकंड बाद, तो आंसर होगा 2, टोटल पूछा होता तो 3, पूछा तो कुल कितनी बार एक साथ बजेगी, 3 बार, बीच में कितनी बार बजेगी, 2 बार, क्लियर है। तो ये सवाल 2 तरह से आ सकता था, टोटल करके भी दे सकता था, 3 आंसर होता, बिटवीन करके दिया है तो आंसर 2 होगा, कोई प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक सब ओके है, बहुत बढ़िया बात। ये क्वेश्चन ये है, रवि की घड़ी की दुकान में, अच्छा रवि की घड़ी की दुकान है, उसमें 2 दीवार घड़ी मरम्मत के लिए लाई गई है, रिपेयरिंग के लिए 2 घड़ी आई हुई है। अच्छा एक घड़ी में कुक्कू मतलब वही साउंड, कुक्कू प्रत्येक 16 सेकंड में बाहर निकलता है, मतलब एक तो वो होती है पेंडुलम वाली, एक होती है उसमें ना एक चिड़िया टाइप की होती है, पक्षी होता है, बर्ड है, वो बार बार बाहर निकल के आवाज करता है ना, कुक्कू वो बार बार बाहर निकलता है, फिर आवाज करता है, फिर बाहर निकलता है आवाज, ऐसे करके, ठीक है। तो पहली घड़ी में जो कुक्कू है वो हर 16 सेकंड बाद बाहर निकलता है पहली घड़ी में, और दूसरी घड़ी में हर 16 मिनट बाद और ये 18 मिनट बाद, दोनों का कुक्कू दोपहर 12 बजे एक साथ बाहर निकले, दोबारा कब एक साथ बाहर निकलेंगे, कितने बजे, मन में सोच लीजिए।
वापस से दोनों कुकू कब एक साथ बाहर होंगे, कितने बजे? मना क्यों हो गया? चलिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर सी होगा। कैसे? पहली घड़ी में जो कुक्कू बाहर निकलता हर 16 मिनट बाद और दूसरी घड़ी में 18, तो पहली घड़ी में निकलता है कितनी देर बाद? एवरी 16 मिनट एंड सेकंड में 18। तो दोबारा एक साथ कब होंगे? एलसीएम के बराबर टाइम में, अभी तो बताया था, पहली घड़ी में हर 16 सेकंड बाद, दूसरी में हर 18 सेकंड बाद, दोबारा एक साथ एलसीएम, बताया था ना एलसीएम। तो पहली घड़ी में 16 मिनट बाद, सॉरी मिनट, और दूसरी में 18 मिनट बाद, तो वापस से एक साथ एलसीएम, एलसीएम लीजिए किनका? इन दोनों का। ऐसा नंबर जो 16 की टेबल में भी आता हो और 18 की टेबल में भी आता हो। सर टेबल के तो लाले पड़े हुए हैं, वरना तो मैथ को ऐसे उड़ा देते हम। अरे 144, 144, 16 में भी और 18 में भी, तो मतलब 144 मिनट, 144 मिनट दोनों टेबल में आता है, तो 144 मिनट में ये वापस से एक साथ होंगे। इसे घंटे में बदलो तो एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 दूनी 12 120, तो इसको हम लिख सकते हैं 120 का मतलब दो घंटे, 120 निकाल दो 24 मिनट, इतनी देर बाद फिर से एक साथ होंगी। और हुई पहले कितने बजे थी? 12 बजे, 12 बजे में जोड़ दो 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट जोड़ोगे तो दोपहर के 2:24 ही हो गए। वापस से एक साथ कितनी देर बाद आएंगी? 2 घंटे 24 मिनट बाद, 12 बजे पहले वो दोपहर में बजी थी, दोबारा से एक साथ बजने वाली है 2 घंटे 24 मिनट बाद, 2 घंटे 24 मिनट बाद, तो दोपहर के 2:24 में ही होने वाली है। अगर 1 बजे हुई होती पहले, 1 बजे में 2:24 जोड़ दो तो 3:24 हो जाते हैं। अगर ये पहले 12 की जगह 1 बजे बाहर निकली होती है दोबारा से, तो 1 बजे में 2 घंटे 24 मिनट और जोड़ते तो 3 घंटे 24 मिनट हो जाते हैं। फिलहाल तो 12 बजे पे पहले हुई थी आवाज, दोबारा एक साथ कब होएंगी? 2 घंटे 24 मिनट बाद, 12 में 2:24 जोड़ोगे 2:24 ही तो होगा। समझ पाए? तो ये पेंडुलम वाली बात खत्म हो रही है, समझ में आ रही है? तो पेंडुलम के हमने ये सवाल देखे, दो तरह के सवाल, जिसमें एक या तो एक सिंगल क्लॉक ही होती है या फिर दो क्लॉक होती है, उनके बीच में रिलेशन होता है। अब पेंडुलम का कोई और सवाल आपको मिल जाए उसे ले आना, देख लेंगे, क्यों नहीं मानना आपकी बात। हाँ एक सवाल और है, शायद वो मिल जाए आपको, एक और क्वेश्चन है आ चुका है एक बार, वो मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक घड़ी एक बजे एक बार, 2 बजे दो बार, 3 बजे 3 बार और आगे भी ऐसे ही आवाज करती है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, घड़ी 1 बजे कितनी बार आवाज करेगी? एक बार, 2 बजेंगे तो दो बार, 3 बजेंगे तो 3 बार और एंड सो ऑन, आगे भी ऐसी आवाज करेगी। तो क्वेश्चन ये है, तो ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको एबीसीडी चुनना होगा पूछे जाने पर, ऐसी मत बोलिएगा, इससे कंफ्यूजन हो जाता है ना, कोई सॉल्व कर रहा है, आपने बोल दिया इसका तो ए है, अब वो चुप बैठ जाएगा, नहीं तू कर ले भैया मैं तो घर पे कर लूंगा, तो दिमाग चलाने के लिए स्पेस चाहिए थोड़ा, है ना। तो 24 घंटे में
ये कैसी आवाज आ रही है भैया? अभी तो घड़ी आवाज कर रही है। 24 घंटे में कुल 24 घंटे में कुल कितनी बार आवाज होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपके लिए सुंदर सुंदर से बना देता हूं। चेक करिए एक बार, फिर मैं देखता हूँ। ये वाला क्वेश्चन एक बार आ चुका है किसी एग्जाम में, तो आपको ये क्वेश्चन हो सकता है बुक में मिल जाए, पेंडुलम का रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड। तो एक ये क्वेश्चन हो सकता है जो अभी है, मैं दिमाग में आ रहा है, बाकी और कोई नहीं लगता मुझे मिलना चाहिए। फिर भी मिल जाए और आपसे ना हो उसे ले आना, फिर देखेंगे पेंडुलम का क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये, ऑप्शन ये मन में सोच लीजिए। रेडी? चेक करें। चलिए, ऑप्शन ए इतनी उम्मीद से मैंने ऑप्शन बनाया था, किसी को पसंद ही नहीं आया। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। चलिए, तो बनाए तो मैंने बड़ी मेहनत से ऑप्शन थे, लेकिन कोई बात नहीं। 156 बार कैसे? ऐसे सबसे पहले 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 12 बजे 12 बार, 12 के बाद तो फिर 1 बजेंगे या 13 बजाओगे? 12 के बाद तो फिर एक, अरे 12 के बाद फिर एक, तो 12 इसके बाद फिर से 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और फिर 12 बजे 12 बार, हो गए 24 घंटे। तो ये दो सेट हो गए ना, 112 के, 112 के दो सेट। तो क्यों ना एक काम करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 12, इसको ऐड करना है। नेचुरल नंबर ऐड करने का एक फॉर्मूला होता है, एन एन प्लस 1/2, ना पता हो तो लिख लो। ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग टिल एन। तो ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, एक से लेके एन तक। अगर हम इन्हें जोड़ना चाहते हैं तो फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, और वो होता है एन एन प्लस 1/2, एन एन प्लस 1/2। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको नेचुरल नंबर ऐड करने हो 1 से स्टार्ट करके। ठीक है, फॉर्मूला पता ही होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, उस वाले क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड आ जाएगी। ठीक है, हो गया। तो ये 1 to 12 है, तो इसमें n कौन है? 12। बस इस 12 को अप्लाई करें, 2 तो है ही। अब n मतलब 12, n प्लस 1 13 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 12 इंटू 13 तो 12, 3 36, 6 आंसर में 3, 12 में 12 3 15, 156। बिल्कुल सही जवाब डी। क्लियर? तो एक ये सवाल हो सकता है आपको पेंडुलम से रिलेटेड मिल जाए। अब मुझे नहीं लगता कोई पेंडुलम क्वेश्चन आपकी किसी भी किताब में मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद करता हूं। और फिर भी किसी किताब में, किसी राइटर ने कोई क्वेश्चन, किसी पब्लिकेशन ने, किसी कमीशन ने कोई क्वेश्चन नया पेंडुलम का डाला हो जो इनसे अलग हो, इनके जैसा हो तो हो ही जाएगा, अलग सा हो उसको ले आना, सब लोग देख लेंगे।
पेंडुलम तो कम से कम नहीं लेंगे, पेंडुलम क्लॉक जो होगी वो तो एनालॉग क्लॉक ही होगी, तो वो 12 के बाद 1 ही बजेंगे। रेलवे वाली घड़ी होती है वो, रेलवे वाली घड़ी होती है, वहां पर 12 के बाद 13 हो जाता है ना। ऐसे करके कोई क्वेश्चन आए रेलवे का कभी कोई हो तो इनमें तो 12 के बाद 1 ही लेना है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके हुआ तो एक टाइप हमारा पेंडुलम से रिलेटेड तो हो गया। एक छोटा सा टाइप और है, 2 मिनट में इसे कर दें, वैसे हो तो पाएगा नहीं। आपको कोई पूछना हो तो आप बता दो, कोई क्वेश्चन घड़ी में, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, पढ़े हो घर जाके कभी कभी ऐसी कोई बात, क्लॉक में कोई क्वेश्चन आपको तो नहीं पूछना? कौन सा? सैटरडे को पूछेंगे। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? कोई साउंड आई पीछे से? हाथ करो पहले ऊपर, अब बोलो। व्हाट्सएप पे सेंड किया हुआ है? जाओ मोबाइल लेके आओ मेरा, तो फिर ऑफिस में से मोबाइल ले आओ। और वो सेंड सीन हो गया क्यों? सेंड सीन हो गया तो अब खत्म, अब नहीं है। सीन हो गया तो हो गया। अच्छा, तुम्हारा वो क्वेश्चन था, वो याद आ गया, मैंने भेजा तो था तुम्हें, बोल करके भेजा था, मैं याद आ गया, मैंने उसमें बोल के बता दिया था तुम्हें। क्वेश्चन ये था इनका, मैं आपको बताता हूं। आपको मालूम है कि एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन, बात नहीं, आवर एंड एंड मिनट एंड, घंटे तथा मिनट की सुई। के बीच का कोण, घंटे मिनट की सुई के बीच का कोण, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो देख लेते हैं। फॉर्मूला होगा इसके लिए 60 h डिफरेंस 11 m/2। ये फॉर्मूला होता है, कोई भी टाइम है घंटे मिनट की सुई के बीच का एंगल पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूले से भी निकाल देते हैं। जैसे 2:15, 4:20, भाई कितना एंगल होगा, फॉर्मूला लगाएंगे एंगल आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला हमें याद रखना होता है। एग्जाम्पल, मैंने बोला 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा, मान लो ये सवाल है, छोटा सा एक क्वेश्चन है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे एच, एस फॉर आवर, एम फॉर मिनट, एस का मतलब घंटे, एम का मतलब मिनट, और फॉर्मूला ही आया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, थीटा इक्वल एंगल इक्वल 60 h डिफरेंस 11 m/2। तो कोई भी टाइम दिया हो ये फॉर्मूला आपको उसका एंगल बता देगा। एच की जगह लगाएंगे 3 और एम की जगह लगाएंगे 30, तो 60 × 3 डिफरेंस 11 × 30/2, तो भैया 6 × 18 180, डिफरेंस 330/2। अब क्या होगा, इनका डिफरेंस बड़े में छोटा, तो 300 से 180 जाएंगे, बचे कितने, 150/2 करोगे कितना एंगल, 75। अब सुनो बात को ध्यान से, अब ये आंसर जो 75 डिग्री आया है, हमेशा एंगल एक आंसर नहीं आता, एंगल के दो आंसर आते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम पर, बात है नहीं, अगर 3:30 बज भी रहे हैं और आप ये कहते हैं कि एंगल है 75 का, तो एक एंगल और भी होगा ना, 285 का एक एंगल और भी होगा, 285, तो ये भी तो इनके बीच का ही एंगल है। तो हमेशा एंगल के दो आंसर आते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है हम किसको टिक करें। तो सुनो, कई बार क्वेश्चन में लिखा ही होगा 3:30 बजे छोटे वाला एंगल बताओ, स्मॉलर एंगल, तो
तो हम सीधे 75 बोलेंगे। कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा 3:30 बजे बड़े वाला एंगल बताओ, ग्रेटर एंगल, तो हम 285 ही बोलेंगे। कभी कभी कुछ लिखा नहीं आता तो मैंने बताया, जब कुछ भी लिखा ना हो तो हम छोटे वाला एंगल टिक करेंगे। 3 क्वेश्चन हो गए, खुद से ही पूछेगा स्मॉलर एंगल 75, ग्रेटर एंगल 285, कुछ भी ना लिखा हो तो छोटे वाला 75 ही टिक करेंगे। तो कुछ भी ना लिखा हो तो हम छोटे वाले को टिक करते हैं 75 को, ठीक है। तो कुछ भी ना लिखा हो तो हमारा आंसर क्या होगा, छोटे वाला, ठीक। अब इनका क्वेश्चन क्या था, इनका क्वेश्चन था 9:15 बज रहे हैं, लिखा कुछ भी नहीं था तो छोटे वाले को टिक करना था, इतनी सी बात थी, अभी कर ले रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया। तो अभी इनका क्वेश्चन क्या था भैया का, इनका क्वेश्चन था कि जब घड़ी बज रहे हैं 9:15, कितने बज रहे हैं 9:15, और बस कुछ नहीं, सिर्फ एंगल पूछा है, क्या पूछा है, एंगल। तो पहले तो उठा के फॉर्मूले में डाल दो पहले। तो हमने क्या किया, इसे कंसीडर किया h, इसे कंसीडर किया m, तो थीटा इक्वल 60h 11m बाई 2, h मीन्स 60 × 9, डिफरेंस 11 × 15 डिवाइड बाई 2, और 6×54 540 और 11 × 165 डिवाइड में 2। तो भैया इसमें से पहले 140 कम कर लो, तो 40 500 400 400 15 कम हो 385, इसका आधा कर दो, तो 1 × 2 × 2 = 18, 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 40, दोबारा करो, 9×6 = 5540, 11 करोगे डिफरेंस 165 डिवाइड में कितना 2, तो इसमें से ओके, तो ये आएगा 2 × 375 / 2, ठीक है। 2 × 2 = 2 8 16 और 2 × 7 = 14, अब सही है। तो एंगल आएगा 187.5 का। अच्छा इसमें अगर बोला होता, अच्छा एंगल सिर्फ यही नहीं है, एंगल दो होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो एक एंगल आपने निकाल लिया, अब दूसरा एंगल कैसे आएगा, 360 से माइनस कर देना ना इसको, दूसरा एंगल आ जाएगा, भाई टोटल 360 होता है, जब माइनस करोगे तो 172.5। अब अगर पूछा होता छोटा एंगल बताओ तो मैं बोलता 172.5, बोला तो बड़ा वाला एंगल बताओ मैं बोलता 187.5, कुछ भी नहीं बोला, क्या टिक करेंगे, छोटे वाला, तो टिक कर दो ना 172.5, दिक्कत क्या है, यही बात तो मैंने तुम्हें बोली भी थी। ठीक है भाई, अगर छोटा ही पूछे तो छोटा आंसर, बड़ा पूछे बड़ा आंसर, कुछ भी ना बोले छोटे वाला आंसर टिक करोगे ना, समझ गए, ऐसी बात है। तो भैया घड़ी का एक टाइम हमारा पेंडुलम हो गया और ये को सवाल था, ये हो गया, बाकी आपके जो भी सवाल रहे इकट्ठे करके फोटो खींच के रखिएगा, शनिवार को डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, 12 और 1 बजे के बीच क्या करना है, 12 और 1 के बीच 315 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पूछा क्या है, टाइम क्या है, तो 315 का छोटा वाला एंगल निकालो, 315 का बड़ा एंगल है ना 315, छोटा कितने का होगा 45 का, तो हमें 45 का एंगल बना लो, 315 से नहीं आएगा आंसर, बड़ा आंसर 315 का है तो एक और होगा 45 का, 45 से निकालना आंसर आ जाएगा, सही है। तो आज की बात यही रहती है, फाइल सेव हो जाएगी, फाइल सेव हो जाएगी ये, तो नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, फाइल दोपहर में अपलोड हो जाती है, दोपहर के बाद कभी भी आराम से बैठो, पेंडुलम की बात हुई है तो हेडिंग लगा दो भाई, रीजनिंग में घड़ी, घड़ी में हेडिंग लगी पेंडुलम क्लॉक, और फिर उसमें ये वाले क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, फिर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब तक अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे जब तक आपका दिमाग में पक्की चीजें रहेंगी नहीं, और रिवीजन में टाइम बचेगा, नोट्स बना लेंगे तो बस 2 पेज पलटे पेंडुलम क्लॉक खत्म हो गई 5 से 10 मिनट में, तो टाइम बचाने के लिए नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। अन्यथा ये हमारी फाइल तो पड़ी रहेगी, लेकिन आपको क्या करना होगा, नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाइएगा बढ़िया सुंदर से, बाकी बातें होंगी